तो किसी सबा वगैरह का मैसेज आ गया उसको दे दोगे? हाँ उसको दे देंगे, हम लड़कियों के मामले में नरम है जरा। बहुत चंगा ना मैं। तेरी बाद की बात है, किया तूने खत्म जा गई मुझे छोड़ के, की मैंने वहीं से नई शुरुआत, तुझे याद नहीं पर मुझे सब याद। अच्छा कभी ऐसे हुआ को फेक मैसेज आए हो? मुझे तो रोज ही आते हैं। तो आप तो करोड़पति हो गए। करोड़पति की तरह है, मैं बोलता हूँ 1000 रुपए दे दो बाकी खुद रख लो। आपको कभी फेक मैसेज आया? बिल्कुल आया यार, मैं जीतू पाकिस्तान की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मस्करियाँ चैनल, मैं हूँ आपकी होस्ट अफसा मलिक जी। नाज़रीन जैसे कि लोगों को मैसेज आते हैं कि ये फलां चैनल से मैसेज आया है कि आपका इतना सोना निकला है, एक गाड़ी निकल आई है और इतने पैसे निकल आए हैं, लोग बेचारे जो होते हैं कुछ लोग पैसे पे भी कर देते हैं और कुछ लोगों को लगता है उनके पैसे निकल भी आए। आज हम लोगों से पूछेंगे कि आपका कभी कुछ निकला है, फिर आए फिर लोगों की राय लेते हैं। कभी ऐसे हुआ है कि फेक मैसेज आए हो तो आपको इतना सोना निकला है? कभी नहीं हुआ, मतलब महीने में कोई 20-25 बार हो जाता है। आर यू कॉमेडी मी? 20-25 में इनके तुम 100 तोले तक मिल जाता है? नहीं मिला नहीं है, तसल्ली मिली है जी। आहा बहुत चंगा ना मैं। तो किसी सबा वगैरह का मैसेज आ गया उसको दे दोगे? हाँ उसको दे देंगे, हम लड़कियों के मामले में नरम है जरा। बात थी क्यों, वो भी तो फेक है। नहीं वो सबा है ना, फिर नाम तो सबा है ना। कभी ऐसे हुए ऐसे लुटे हो? हाँ ऐसे कभी लूटे हैं। कैसे? लोड वगैरह करा दिया। कितना लोड करवाया था? 100 करवा दिया, 200 करवा दिया। 100-100 करके मेरा लक खा गई। क्या नाम है? मोहम्मद आशिक। मोहम्मद आशिक? आशिक। आशिक किसके हैं? अरे बेगम वाले। समझ रहे हो, समझ रहे हो? क्या आपको फेक मैसेज कभी आए? काफी दफा आ जाते हैं टेलीफोन पे मैसेज। नहीं लव स्टोरी वाले मैसेज नहीं, जो कि आपका इतना सोना निकला है ना, ऐसे आते हैं। तो कभी अप्लाई किया उसको? नहीं कभी नहीं किया। क्यों? मुझे पता है जो फेक है। नदीम साहब कभी आपको फेक मैसेज आए कि आपके इतने पैसे निकल आए, आपका इतना सोना निकल आया? हाँ जी बेटा, एक दफ़ा मुझे आया था मैसेज, तो उसमें यानी कि मेरी वाइफ को आ गया था फ़ोन पे, उन्होंने कहा कि भाई आपका जो सा ना 5 लाख रुपये इनाम निकला और 10 तोले सोना निकला और एक गाड़ी निकली है। तो बच्चे इतने परेशान हो गए कि जिसकी कोई कहने की हद नहीं। परेशान हो गए या खुश हो गए? मैं बता रहा हूँ, परेशानी यानी कि खुशी के आलम में इतने वो हो गए कि अब हम क्या करें। अब उन्होंने जो उनसे ना डिमांड की कि आप, आपको हम अपना दूसरा नंबर देंगे, तो आपने उस नंबर पे हमसे रابطہ करना और जैज के दफ्तर आ जाएं और वहाँ से जो उनसे ना हमसे वो हमें पेमेंट जमा करा दें हमारे जैज की कंपनी में। तो बच्चे उन्होंने 10,000 रुपये की पहले डिमांड की, फिर वो मेरा बेटा जो उनसे ना वहाँ जा रहा था 10,000 रुपये जमा कराने के लिए, तो उसके अचानक जहन में ख्याल आ गया कि जो सा ना अबू ऐसे ऐसे ना हमारा इनाम निकला। और मैंने कहा बेटा ये सब फ्रॉड है, तूने पैसे तो जमा नहीं कराए? उन्हें कहना नहीं अभी नहीं कराए। तो मैंने कहा पागल है बेटा, अब कराने भी नहीं है, ठीक है कि नहीं? मैं खुद ही पूछ लेता। आपने कहा घबराना नहीं, मैं हूँ ना। हाँ तो फिर मैंने उसे यही कहा कि बेटा आपने घबराना नहीं है। क्या करते हो? मैं काफ़ी चीज़ें करता हूँ। क्या 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 क्या? मैं एक राइटर हूँ, सॉन्ग राइटर और रैप आर्टिस्ट हूँ। इतनी छोटी एज में, एज क्या है? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अब 19 हूँ। चल झूठा। और इतना कुछ आप 19 साल की उम्र में कर रहे हैं? बस शौक था बचपन से ही। कौन सा आर्टिस्ट अच्छा लगता था? हनी सिंह ऑब्वियसली। जैसे कि जीतो पाकिस्तान का मैसेज आता है, आपको इतना सोना निकल आया, कभी बॉल वालों का आता है? वो तो अक्सर ही आते रहते हैं, अभी थोड़े दिन पहले भी आया हुआ था काफ़ी, पर अब जब से मेरे साथ वो एसी का चूना लगा है उसके बाद फिर मैंने। क्या चूना लगा? वो यही था कि 1.5 टन का एसी लगा हुआ था, ठीक है, तो गर्मी काफ़ी थी पिछले दिनों, आपको पता है, मैं एसी उससे डील डन कर ली कि एसी का, उसने मुझे कहा मैं TCS करवा दे, तो मुल्तान की ऐड थी वो, मैं कहा चलो ठीक है आप लाहौर डिलीवर करवा दो। उसने मुझे बकायदा रसीद वगैरह भी सेंड की सारी कि TCS ऑफिस गया। तो रसीद आ गई, एसी नहीं आया? रसीद आ गई, रसीद भी पता नहीं कैसी आई, एसी नहीं आया। कोई सॉन्ग वगैरह आता है? वो मैंने सैड सॉन्ग लिखा, तो वो ये है, तेरी बाद की बात है, किया तूने खत्म जा गई मुझे छोड़ के, की मैंने वहीं से नई शुरुआत, तुझे याद नहीं पर मुझे सब याद, तू थी बेवफा ये किया तूने जान कर, तोड़ा दिल मेरा लोगों की बातें मान कर, साथ जिन्हें मरने की कस्में दिखाई, देना था साथ हमने आखिरी सांस तक, फिर क्यों चले गई छोड़ के मुझको तन्हा आधी राह पर। अच्छा कभी ऐसे हुआ को फेक मैसेज आए हो और आपको कहो इतने लाख आपके निकल आए? मुझे तो रोज ही आते हैं फेक मैसेज। तो आप
तो करोड़पति हो गए। करोड़पति किधर है, मैं बोलता हूँ 1000 रुपए दे दो, बाकी खुद रख लो। अच्छा आपको कभी फेक मैसेज आया? बहुत ज्यादा। रिप्लाई किया कभी 10 लाख निकल आया, एक गाड़ी निकल आया, तो बंदा कहता है यार देखता हूँ कि वाकई हो सकता है? नेवर नेवर, कभी नहीं। क्यों? जो पता है फेक है मैसेजेस डेफिनेटली, तो एक लिटरेट बंदे को तो पता होगा कि, या लिटरेट नहीं तो थोड़ा बहुत भी जिसको नो हाउ है तो उसको तो पता होगा कि ये फेक मैसेजेस हैं, तो कभी रिप्लाई नहीं किया। फेक मैसेज आए कि आपका 10 लाख निकल आया, कभी सोना निकल आया? बहुत आते हैं, ARY पाकिस्तान पे, जीतो पाकिस्तान की तरफ, आपको ये बाइक मिली है, सोना मिला है, इतने पैसे, 4 लाख 1 लाख रुपया दिया है, तो हमने कभी उसका ना रिप्लाई नहीं किया। नहीं कि अब स्टार्टिंग में मैसेज आए तो बंदा सोचता है यार क्या वाकई निकल आया है? नहीं, एक आधी दफ़ा जो काफ़ी लोगों से फिर सुना कि ये सारा जो है ना वो झूठ होता है, लोगों को उनसे इन्फॉर्मेशन ली जाती है कि आपके अकाउंट नंबर, वो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता आपका ID कार्ड पूछते हैं, आपका अकाउंट नंबर पूछते हैं, इस तरह अगर वो पता चल जाए कि आप कहीं मुलाजमीन है तो आपके अकाउंट नंबर तक आ जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है सही में ऐसा कोई इंसान कर सकता है? जी। आपको कभी फेक मैसेज आया? बिल्कुल आया है ARY जीतो पाकिस्तान की तरफ से। लोगों को फेक मैसेज आते हैं और लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर परेशान भी हैं कि ये मैसेज बंद क्यों नहीं हो रहे और गवर्नमेंट इस पर एक्शन क्यों नहीं लेती। अच्छा कभी आपको फेक मैसेजेस आए? बिल्कुल, ऑब्वियसली आते हैं, अक्सर आते हैं। नहीं मैं सभा वाले मैसेज नहीं पूछ रही, मैं आपको जीतो पाकिस्तान जैसे मैसेज पूछ रही हूँ कि अभी 10 लाख निकल आया, कभी आपका सोना निकला है? कभी सोना निकला? अभी तक तो नहीं निकला। काफ़ी जो है ना फेक नंबर से मैसेजेस आते हैं अक्सर कि जी आप जो है इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करें, जीतो पाकिस्तान की तरफ से ये कुरानदाजी है। बहुत तेज हो रहा है। कोई सभा या कोई हिना कोई लड़की ऐसे मैसेज कर दे प्लीज बैलेंस करवा दे? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं मैरिड हूँ। मैरिड हुए तो क्या हुआ भाई, मेरी पूछताछ होती है। आपको कभी फेक मैसेज आए हैं? अभी भी आए मोबाइल में। नहीं एक तो सभा वाले मैसेज वाली बात नहीं करी, सास प्रोग्राम के, बेनजीर प्रोग्राम के, जीतो पाकिस्तान के, बॉल गेम शो के, अब तो व्हाट्सएप पे आने लगे। आया है मुझे फ़ोन कुछ 2-4 महीने पहले आया है, वो कह रहा जी मेरा आ गया आपको गलत नंबर लगवा, इजी पैसा वाले ने आपके नंबर पे कर दिए हैं, आपकी मेहरबानी कर दें। वो आधा घंटा खपते रहे हैं, फिर उन्होंने जायज़ वर्ल्ड से मैसेज किया, उन्होंने कहा जी ये पिन नंबर लिखाएं। मैं कहा जी ये मैंने नहीं लिखाना, आप अपने नंबर चेक करें। तो बदवाएँ देने लग गया, मैं कहा दे दीती जा मैनू गिरा सरो। हाँ कभी ऐसे हुआ कि आपका सोना निकला हो, कभी आपकी गाड़ी निकली हो? वो पहले आते थे बेनजीर इनकम स्पोर्ट्स, वो इस तरह के मैसेज आते हैं, अब नहीं आते। आते ना बॉल की तरफ से जीतो पक, 2-3 दफ़ा आए हैं, वो भी आए हैं लेकिन वो हमने फिर डिलीट कर दिया मैंने। क्यों? उसका फ़ायदा ही नहीं है, वो फेक ही होता है और क्या। क्या नाम है? सैगल मोहम्मद अरशद जावेद, रिटायर्ड पाकिस्तान आर्मी। वैसे जान का मैं गाजी भी हूँ। माशाल्लाह आप गाजी भी हैं, लेकिन गाजी साहब कभी आपको किसी सभा नामी लड़की का मैसेज आया इतना लोड करवा दे? हमें ज़रूरत ही क्या है लड़कियों से बात करने की। अच्छा कभी आपको फेक मैसेज आए कि आपका इतना सोना निकला है, एक कार्ड निकला है? हम ये तकरीबन 10 दिन में आ जाते हैं और उनकी कंप्लेन भी करें आप, अगर उनकी जैसे कि मोबिलिंग में मैं हूँ, नाम तो लेना नहीं चाहता, सॉरी, लेकिन नोबडी कैन, मतलब उसको कोई पूछने वाला नहीं है, उसका नंबर भी मेरे पास आ रहा है। लोग कहते हैं कि सिम जो है वो ब्लॉक हो जाती हैं, दैट एंड दिस, लेकिन सब झूठ है, वो फेक मैसेज देते हैं, आप उनको जवाब दें तो वो आगे से गालम गलोच भी करते हैं। जी नाज़रीन आज हमने लोगों से पूछा कि क्या आपको फेक मैसेजेस आते हैं, लोगों ने कहा हमें बहुत ज़्यादा फेक मैसेजेस आते हैं और हम इनसे बहुत ज़्यादा परेशान हैं और हुकूमत को चाहिए कि इसके ख़िलाफ़ एक्शन लें। अगर आपको हमारा शो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।